मित्रों अभी आप लोगों ने देखा है, नोट किया है कि भारत और चाइना के बीच अभी तनातनी का माहौल है। ऐसे स्थिति में जब भारत और चाइना एक दूसरे से टकरा रहे हैं, भारत का हित दांव पे लगा हुआ है, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ चीनी दूतावास जाते हैं। दूसरी तरफ भारत ने जब उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध किया तो कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम के कुछ नेता नॉर्थ कोरिया के दूतावास जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत के हितों के विपरीत जाकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चीनी दूतावास और नॉर्थ कोरिया दूतावास में जाकर गुपचुप समझौते कर रही है, गुपचुप वार्ता कर रही है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा, इतिहास में झांकना होगा कि नेहरू गांधी परिवार और कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा से भारत के हितों के ऊपर रशिया, चाइना, कोरिया इन सब के हितों को ऊपर रखा है, क्योंकि ये साम्यवादी देश थे, ये कम्युनिस्ट देश थे। 1950 में, अक्टूबर 1950 में चाइना ने तिब्बत पे हमला किया था, तिब्बत के पूरे अहिंसक बौद्ध कम्युनिटी को कुचल दिया था। इसके ठीक 2 साल बाद आप देखेंगे कि चाइना में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित चाइना जाती है और उनकी माओ से मुलाकात होती है। अब देखिए कि जहां भारत का हित वहां दांव पे था तिब्बत पे कब्जा करने के बाद, ठीक उसके आप देखेंगे 10-12 साल बाद भारत पे हमला करता है चीन, लेकिन उस जो खतरा था उसको महसूस करने की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके लिए क्या लिखते हैं चाइना के लिए, मैं आपको अपनी हाल की जो हमारी प्रकाशित पुस्तक है कहानी कम्युनिस्टों की, उसमें बहुत सारे डिटेल में बताए गए हैं, मैं आपको कुछ शॉर्ट मेमोरीज में आपको ले जाना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं चाइना के बारे में कि चाइना में जो क्रांति 1949 में हुई वह कोई राजमहल की क्रांति नहीं थी, वह तो जनसाधारण द्वारा समर्थित क्रांति थी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता दिलाने के लिहाज से नेहरू की लॉबिंग कर रहे थे। अब माओ जैसा क्रूर जिसने एक खूनी क्रांति को जन्म दिया, तिब्बत को कुचला 1950 में, उसके लिए विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन क्या लिखती है वो देखिए। वो कह रही हैं, जवाहरलाल नेहरू की बहन जो है, माओ की तुलना वो गांधी से करती हैं और वो कहती हैं कि उनकी आंखों में लोगों ने गांधी के सपने को देखा है। वो लिखती हैं कि माओ बहुत कम बोलते हैं, उनमें गजब का हास्य बोध है, जनता में उनकी मौजूदगी गांधी की याद दिलाती है, महात्मा की तरह ही जनता न सिर्फ उनकी प्रशंसा करती है बल्कि उनकी पूजा करती है। नोट कीजिए इसको, जो भी उनकी तरफ देखता है उन्हें प्रेम और प्रशंसा दोनों ही भाव उमड़ पड़ता है, उन्हें देखना बड़ा ही भावनात्मक क्षण है। और गांधी नेहरू परिवार का आगे की मनस्थिति देखिए, वो आगे लिखती है, हम लोगों ने बेहतरीन खाना और शराब पी, फिर दोनों देशों के बीच मित्रता, संस्कृति और शांति की बातें हुई, ये बातें तब तक होती रही जब तक हम थककर चूर नहीं हो गए। ये विजय लक्ष्मी पंडित लिखती हैं। आप समझिए शराब, आप समझिए लजीज भोजन, क्या इसके लिए आप अपने देश के हितों को दांव पे लगाएंगे? नेहरू ने, उनकी बहन ने जो किया, क्या राहुल गांधी आज वही करने के लिए चीनी दूतावास गए थे? क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सुनील चोपड़ा एवं उनके साथी क्या यही करने के लिए नॉर्थ कोरिया के दूतावास गए थे? ये सारे सवाल अनुत्तरित हैं और इसका जवाब राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को देना चाहिए।